ऋषि को उसने मारा, बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, छिपका जो मारा था। तो राम के जितने भी कर्तव्य कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे, क्योंकि उस समय जब मारा था तो उस समय लॉर्ड मेकाले नहीं था। सन 1860 में जो आईपीसी बनाई थी उस समय लॉर्ड मेकाले बना नहीं पाया था, और शायद उसके जमाने में लॉर्ड मेकाले होता 1860 की आईपीसी होती तो 302 में राम को फांसी होती। आज के जमाने में होता तो राम पर सबसे पहले केस चलाता। मैं अब मैं भगवान के लिए उल्टा बोलता हूँ, भगवान की माँ बहन एक करता हूँ, भगवान को गाली देता हूँ, तो मुझे भगवान पर दंड देगा या ये मेरा जो बराबर का भैया वो देगा मुझे दंड? हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो इस शख्स को आपने देख ही लिया होगा जो 302 धारा लगा के भगवान राम पे केस करने की बात कर रहा है, जेल में डालने की बात कर रहा है और बहुत सारी बातें कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये व्यक्ति है कौन, करता क्या है? तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कौन है और थोड़ा सा इसको जनवाएंगे कि रामायण वैदिक शास्त्र है क्या, और थोड़ा सा इसको करेक्ट करने की जरूरत है, जो कि आज की शिक्षार्थकम टीम में से मैं दीपक जायसवाल आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। सो ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं। तो इस शख्स का नाम है मनोज कुमार। ये लायर है, लॉयर है, एडवोकेट हैं दिल्ली कोर्ट में, और ये बहुत ही बड़े शुभचिंतक हैं हमारे विकास दिव्यकीर्ति सर के ऊपर। मैंने रिसेंटली वीडियो बनाए थे ना विकास दिव्यकीर्ति सर के ऊपर, हाफ ट्रूथ ओवर रामायण, ये वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर चाहे तो, और आई बटन पे भी अगर डिटेल में देखना चाहते हैं कि विकास दिव्यकीर्ति ने जो बताया था रामायण के ऊपर कि राम जी कैसे हैं, वो कितना इनकम्प्लीट था और कितना गलत तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया था, और शास्त्रों में जो लिखा है बिल्कुल अपोजिट उन्होंने बताया था। तो हमने उस वीडियो में बताने का प्रयास किया, और ये मनोज कुमार जो लॉयर हैं ये उनके फॉलोवर हैं और उनकी बात को कह रहे हैं कि एकदम सही बोल रहे हैं विकास सर। साथियों, जो दिव्यकीर्ति हैं आईएएस दृष्टि कोचिंग सेंटर के शायद हेड हैं या वहाँ पढ़ाते हैं, तो उन्होंने असलियत, हिंदू धर्म की असलियत को उन्होंने बताया है। देख रहे हो ना, विकास दिव्यकीर्ति ने ठीक से रामायण कभी पढ़ी होगी और ना ही ये पढ़ने वाले। खैर, आज इनकी बात करते हैं, विकास सर के ऊपर तो ऑलरेडी कर चुके हैं। सो मनोज लायर जी, लॉयर, एडवोकेट मनोज लॉयर जी, आपको क्या दिक्कत है जरा ठीक से बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो जो शम्भूक ऋषि थे वो शिक्षक थे उस जमाने में और दलितों को शिक्षा दे रहे थे, तो कुछ हिंदूवादी मानसिकता के लोगों ने उन्होंने राम को भड़काया कि एक दलित मुनि शूद्र वो लोगों को शिक्षा दे रहा है, उनको शिक्षित कर रहा है, जबकि उस जमाने में दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो राम ने उनका वध कर दिया था, मर्डर किया था, उस समय मर्डर माना जाएगा, वो उस समय उनका मर्डर कर दिया था। तो ये सच्चाई बात। रामायण में क्या ऐसा लिखा है? बिकॉज अगर ऐसा लिखा है तो बहुत गलत है, भगवान आपने गलत किया। पर हम पहला क्रॉस चेक करेंगे, स्मार्ट पर्सन हमेशा क्रॉस चेक करता है। ऑल्दो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है कि राम राज्य में क्या जातिवाद था, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और आई बटन पे भी आ जाएगा जहां भी है वो। वापस आते हैं तो ये भाई उत्तरकांड के 76वें अध्याय में शम्भूक ऋषि के बारे में आता है। तो अब राम जी ने जब पहली बार शम्भूक को देखा तो शम्भूक क्या सच में बच्चों को पढ़ा रहा था? तो मैंने वाल्मीकि रामायण खोली तो देखा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन ये आता है कि एक व्यक्ति है जो उल्टा पेड़ पे लटका हुआ है, नीचे आग लगाई हुई है और आग का धुआं अपने मुंह में घुसेड़ रहा है, पी रहा है धुएं को। यानी ऐसा कौन शिक्षक करता है, या फिर कौन इवन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी क्या ऐसे लटकता है? क्या आग में सर दे रखा है, ऐसे कौन पढ़ाता है? तो भगवान राम उसके पास गए, उससे पूछा, जेंटली पूछा कि भाई कौन हो, अपने बारे में बताओ। शम्भूक ने अपने बारे में बताया और अपनी ये सब करने की इच्छा बताई और बोला कि मैं ये तपस्या कर रहा हूँ घनघोर, ताकि शरीर के साथ जा सकूँ स्वर्ग और वहाँ के ऐशो आराम भोग सकूँ। शम्भूक जो है प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट तपस्या कर रहा था और अपने सेल्फिश पर्पस से कर रहा था, उसका कोई पर्पस नहीं था कि किसी दलित या शूद्र को उनको एजुकेटेड बनाना है। और इसकी तपस्या की वजह से हुआ क्या, एक बच्चा मर गया, उसकी वजह से भगवान ने उसका वध किया। रावण भी तो ऐसी तपस्या कर रहा था ना, हिरण्यकश्यप भी ऐसी तपस्या कर रहा था और उसकी वजह से हेवॉक क्रिएट किया हुआ था सोसाइटी में। आप सभी पढ़ चुके हैं रामायण, तो ये भी करने वाला था तो रोक दिया, क्या गलत किया? तो ये रामायण में बताया गया है। अब सवाल आता है तो ये कौन सी रामायण पढ़ रहे हैं और वहां कहाँ लिखा है कि शिक्षक है? तो मैंने इनकी एक वीडियो ढूंढी तो उसमें पता चलता है कि इन्होंने तो अपने खुद के शास्त्र लिखे हैं। जरा बताएंगे मनोज जी? सारे प्रूफ है उसमें, जो इतने दलित साहित्य हैं, शास्त्र है, उनमें लिखा हुआ है कि यहाँ शम्भूक ऋषि को राम ने मारा था, मर्डर किया था। ये देखो, कह रहे हैं कि हमारे खुद के दलित शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र दलित हो गए कब हो गए? मतलब अपनी मर्जी से शास्त्र लिखे जा रहे हो। राम बुरे हो गए अपनी मर्जी से, शम्भूक टीचर हो गए अपनी मर्जी से। ये होता है नरेटिव। अगर आप लोग ठीक से रामायण नहीं पढ़ोगे तो ऐसे मैनिपुलेट किए जाएंगे। और क्या दिक्कत है मनोज जी आपको? ऋषि को उसने मारा, बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, छिपका जो मारा था। पर राम के जितने भी कर्तव्य कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे, क्योंकि उस समय जब मारा था तो उस समय लॉर्ड मेकाले नहीं था। सन 1860 में जो आईपीसी बनाई थी उस समय लॉर्ड मेकाले बना नहीं पाया था, और शायद उसके जमाने में लॉर्ड मेकाले होता, 1860 की आईपीसी होती तो 302 में राम को फांसी होती। आज के जमाने में होता तो राम पर सबसे पहले केस चलाता मैं। देखिए अब इनको लग रहा है कि राम जी ने फिर से मर्डर कर दिया है, इस बार बाली का मर्डर किया, उन पे 302 धारा लगनी चाहिए। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं मनोज जी, सपोज कीजिए, और उसी में आपका आंसर भी है। सपोज कीजिए कि एक दिन आप जाते हैं घर पर अपने, आपका बड़ा भाई आपको देखता और देखते आपको दया घुसे मार मार के मुंह सुजा देता है, आपके नाक मुंह से खून निकाल देता है, थोपड़ा बिगाड़ देता है, भूत बना देता है आपको मार मार के, और फिर आपके सामने आपकी बीवी को पकड़ के कहता है आज से मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको एंजॉय करूंगा, तू निकल, स्टाइल में एकदम। आप क्या करोगे? आप जैसा कोई मूर्ख व्यक्ति हुआ तो वो कहेगा क्या हुआ, इतना तो चलता ही है, माफ कर देना चाहिए, भगवान राम आपकी तरह नहीं है ना, वो मूर्ख नहीं है। अगर उनके सामने कुछ गलत हो रहा है, अधर्म हो रहा है, तो उसको रोकेंगे, और भगवान राम ने वही किया। बाली ने जो किया किसी की वाइफ के साथ, किसी पर्सन के साथ, उसको दंड दिया। और मानो ना मानो अगर राम जी गलत करते ना तो बाली की जो वाइफ थी तारा, उसने भगवान राम को सही बोला, उनके चरण छुए भगवान के, आशीर्वाद लिया। अंगद ने, भगवान की सेना में अंगद सबसे आगे आए लड़ने के लिए, जिसके पिता भगवान ने मारे, वो खुद भगवान की सेवा कर रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा। आप कौन होते भाई? कुछ लोगों को ना कुछ फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी शक्ति से कुछ गलत होते हुए चीज़ों को रोकने के लिए ये हथियार उठा सकते हैं, जिसमें आर्मी है, योद्धा है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो ऐसा करते हैं। अभी रिसेंटली जो इंडियन आर्मी ने चाइनीज को मार मार के भगाया ना, इनके नजरिए से देखा जाए तो वो भी गलत है। मनोज जी तो ये बोलेंगे कि चाइनीज तो वो बेचारे इंडिया में कुतुब मीनार की फोटो खींचने आ रहे थे, टूरिस्ट थे, इंडियन आर्मी ने रोक दिया उनको, बेचारी गलत इंडियन आर्मी, मर्डरर, यही बोलेगा मनोज जी आप तो? अजीब है। देखो भगवान राम राजा है, राजा के कई कर्तव्य होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं राज्य का, उनको इकोनॉमी देखनी है, पॉलिसीज बनानी है, मेक श्योर करना है कि सबको प्रॉपर फूड मिले, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। एज अ वॉरियर वो देश की प्रोटेक्ट भी करता है, युद्ध भी लड़ते हैं, हथियार उठाना पड़ता है देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। और न्यायाधीश तो है ही, न्यायाधीश के पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो एज अ उनको ये भी देखना है कि सबको जस्टिस मिले, अगर कहीं गलत हो रहा है तो वो उस पर बोलेंगे। तो एज अ किंग, एज अ न्यायाधीश, बाली ने गलत किया था किसी की वाइफ के साथ, शम्भूक ने गलत किया, रावण ने गलत किया, भगवान ने सबको दंड दिया। और मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं किया, जिसको जो लग रहा है बोले। एक सेकंड, अब ये खुद कह रहे थे ना कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो मारना चाहिए। मैं तो भगवान बुद्ध को मानता हूँ, भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि शांति का संदेश दिया, समझ रहे हो ना, पर शांति से बात नहीं बननी तो फिर क्या करें बताइए आप? तुम्हारे सामने तुम जा रहे हो, तुम्हारी बीवी का रेप कर दिया जा, तुम्हारी बेटी का रेप कर दिया जा, तुम्हारी बहन का रेप कर दिया जा, तो खून में पानी है क्या? बताइए ना, रेप करने दोगे क्या आप? बताइए ना, आपके बेटे को आपके सामने मार रहे हैं, क्या आप चुप रहोगे क्या तुम? तो इसलिए साथियों मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सीख लो, जिस दिन मारना सीख जाओगे उस दिन तुम पर अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। ये भगवान बुद्धा की शिक्षाओं की बात करते हैं और कह रहे हैं कि अगर प्यार से कोई बात ना करे तो लड़ना ही पड़ेगा। तो भगवान राम ने भी तो वही किया था, रावण को कितनी बार संदेश भेजा गया, बाली को संदेश भेजे गए, कहाँ सुधरा वो? भगवान कृष्णा ने पूरी महाभारत रोकने की कोशिश की, दुर्योधन के पास खुद गए शांति दूत बन के, माना क्या वो? आपने जैसा कहा तो अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तो भगवान ने भी एक्शन लिया। पर आप अपने केस में कह रहे हो बिल्कुल सही है, भगवान ने कर दिया तो कह रहे हो ओहो भगवान ने ऐसे कैसे कर दिया। लॉयर होके यार ऐसी दोगली बातें, शेम ऑन यू ब्रो। सिंपल सी बात है, आपको राम जी से दिक्कत है, आपको अपना प्रोपेगेंडा सॉल्व करना और कुछ नहीं। और सरस्वती माता जी के बारे में आप क्या बोल रहे थे? सरस्वती ने कौन सी पीएचडी कर रखी है हमें बताना, कौन सी एलएलबी एलएलएम कर रखी सरस्वती ने हमें बताओ, कितनी डिग्री सरस्वती के पास में हमें बताओ तो सही। सरस्वती कौन थी? सरस्वती बताओ, उस समय साले शिक्षा नहीं थी, माइंड टू माइंड ट्रांसफर की जाती थी शिक्षा, उस समय सरस्वती की यूनिवर्सिटी खुल गई। तो सरस्वती माता जी भाई अगर पढ़ी लिखी होती तो डिग्री कहाँ है, कहाँ से डिग्री ली, कौन से कॉलेज से पढ़ी, यही कहना है ना आपका। चलिए मैं आपको एक मंदिर दिखाता हूं, ये सुरंग टीला टेम्पल है। ये मंदिर अर्थक्वेक प्रूफ बना था 7th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी में एक भूकंप आया, आसपास का पूरा गांव धंस गया जमीन के अंदर, ये मंदिर भी धंस गया। वापस खुदाई हुई तो एज इट इज बाहर आया, बिल्कुल भी टूटा नहीं था, कहीं से भी नहीं टूटा। यार कौन से आईआईटी कॉलेज के किस सिविल इंजीनियर ने कौन सी ज्योमेट्री का यूज करके इस मंदिर को बनाया था? मनोज जी कहाँ से डिग्री आई थी? कॉलेज का तो अभी स्टार्ट हुआ है सिस्टम वगैरह। चलो एक और टेम्पल दिखाता हूँ आपको। ये मंदिर कंबोडिया में स्थित है, अंकोर वाट। 400 किलोमीटर में ये मंदिर फैला हुआ है। मंदिर अपने आप में एक पूरी सिटी को होल्ड करता है। वैदिक कल्चर में सनातन धर्म के शास्त्रों में जैसे यूनिवर्स के बारे में बताया गया है, उसी के आधार पर यह पूरा मंदिर बिल्ड किया गया है। 12th सेंचुरी में यह मंदिर बना था। अब आप मुझे बताओ भैया, कौन से इंजीनियर ने कौन से सिविल इंजीनियर की कहाँ से डिग्री लेके ये मंदिर बनाया? कौन सी साइंस थी उस टाइम? क्योंकि ये सब तो अभी डेवलप हुआ है। और आपको लग रहा है डिग्री जब तक होगा नहीं तो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा, ज्ञान नहीं है उसके पास। तो ज्ञान आता कहाँ से था पहले? और ये डिग्री आप चिल्ला रहे हो। स्टीव जॉब्स के बाद कौन सी डिग्री थी? कॉलेज ड्रॉप आउट था। बिल गेट्स के पास कौन सी डिग्री थी? कॉलेज ड्रॉप आउट था। मार्क जुकरबर्ग, जिसका फेसबुक चला के आप इतना उड़ रहे हो, उसके पास कौन सी डिग्री है? वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो डिग्री तो नहीं है इन लोगों के पास, पर ज्ञान तो आपसे ज्यादा है। तो जस्ट बिकॉज किसी के पास डिग्री नहीं है वो बेवकूफ है, ये मत समझिए। और ये डिग्री की बात कर रहे हो, डिग्री कितना काम आती है? ये सिर्फ जॉब लगने तक काम आती है। उसके बाद आप अपनी काबिलियत, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको आगे बढ़ना पड़ता है। देखो सच ये है कि सरस्वती माता को ज्ञान की जरूरत नहीं है, उनको डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। वो आपको और मुझे जरूरत है। आपको तो बहुत ज्यादा जरूरत है। माता से ज्ञान खुद आता है। ज्ञान दुनिया को वो दे रही है, उनको जरूरत नहीं है। वो साक्षात ज्ञान ही है अपने आप में। उनके बारे में मैं क्या बताऊं? माता सरस्वती के ऊपर भी हमने बहुत समय पहले एक वीडियो बनाई थी, जब हमने शिक्षार्थकम स्टार्ट किया था। आप चाहे तो देख सकते हैं। आपको पता है शास्त्रों में एक श्लोका है, विद्या दताति विनयम, ज्ञान से विनय आता है, शिक्षा से सभ्य बनता है व्यक्ति। ये आप सभ्य हैं। वीडियो में बोलते हैं कि भगवान राम को इसलिए गाली देता हूँ, गंदे शब्द बोलते हैं ताकि वो आके मुझे समझाए। अब मैं भगवान के लिए उल्टा बोलता हूँ, भगवान की माँ बहन एक करता हूँ, भगवान को गाली देता हूँ, तो मुझे भगवान दंड देगा या ये मेरा जो बराबर का भैया वो देगा मुझे दंड? पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे बात करता है क्या? एजुकेटेड पर्सन आप अपने आप को कह रहे हो, संविधान संविधान चिल्ला रहे हो। आपको भी तो पता होना चाहिए कि संविधान की धारा, आईपीसी के धारा 153A 295A के हिसाब से अगर आप किसी भी जाति, धर्म या किसी के फेथ का किसी भी तरीके से अगर आप मजाक उड़ाते हो, वो दंडनीय अपराध है। तो आप तो जिस संविधान की बात कर रहे हो, बचाने की बात कर रहे हो, वो खुद आपसे पालन नहीं हो रहा। औरंगजेब, हुमायूं, बाबर जैसे लोगों ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ना जाने कितने लोगों को जान से मार दिया। आप उनके बारे में नहीं बोलोगे। आप नफरत करते हो हिंदू से, ये तो आप खुद ही खुल के बोलते हो। और आपको बस रीजन चाहिए उनको नीचा दिखाने का, उनके भगवान का मजाक उड़ाने का, उनके लोगों को मजाक उड़ाने का, और कुछ नहीं। इनको कुछ बोलना बेकार है। ज्यादा बोलेंगे तो कहेंगे देखो मैं शिक्षार्थकम जातिवाद करता, ये करता, वो करता। तो मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे इनसे बोलना ही नहीं है। पर मैं आप लोगों को इससे बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोग फेक शास्त्र बना चुके हैं, सब कुछ फेक रेडी है, बस आपको बेवकूफ़ बनाना रह गया है। और जिस दिन आप इन लोगों को सुनने लगोगे, अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दोगे, तो हो गया काम। कल से आप भी भगवान से नफरत करने लगोगे। इसलिए अपने शास्त्रों को, रामायण को, महाभारत को, भगवद गीता को पढ़ना शुरू कीजिए, सुनना शुरू कीजिए। इसमें मदद आपकी इतनी हम ये कर सकते हैं कि आप भाई, आपको घर तक भगवद गीता डिलीवर करवा देंगे हम लोग। हमने अब तक कई 100 बुक्स भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिलीवर किया लोगों के घर पे। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाइए वहाँ पे डिटेल फिल कीजिए, पेमेंट कीजिए, आपके घर तक हम विदिन 10 to 12 days हम भगवद गीता को पहुँचा देंगे। और आपको लगता है मैंने जो बोला सही है और दूसरों तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए, तो प्लीज़ मदद कीजिए, क्योंकि यूट्यूब ज़्यादा वीडियो हमारी रेकमेंड करता नहीं है। तो आपको ही थोड़ा हमारा पर्सनली एफर्ट लगा के इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। और लोगों को इंस्पायर कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, चैनल भी थोड़ा रन कर पाए, अच्छे से आगे बढ़े। और एक तरीके से मदद और आप कर सकते हैं कि आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं डोनेट करके, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट है ये स्टूडियो चल पा रहा है, शिक्षार्थकम चल पा रहा है, हम लोग भी आगे बढ़ पा रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।